हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 7 के स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर के आ चुका हूं। और ये पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। इस वीडियो में मैं आप लोग को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप लोग को ओरिजिनल पेपर भी यहीं पर मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आप लोग को कम से कम 7-8 तारीख के बाद आप लोग को वो सारा पेपर मिलेगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ से इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। आपको जो ओरिजिनल पेपर दिया जाएगा वो सारा आप लोग के एग्जामिनेशन में रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें इसमें जान लेते हैं। सबसे पहले अपना यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे अपना सेक्शन लिखना है। अब किसी किसी विद्यालय में सेक्शन होता है, किसी किसी विद्यालय में सेक्शन नहीं होता है, तो आप अपने हिसाब से अपना देख लीजिएगा। उसके बाद अपने स्कूल का नाम, अपने प्रखंड का नाम, संकुल का नाम और ज़िला का नाम, ये लिख लेना है। उसके बाद ये जो बाकी बचा है इस पर आप लोग को कुछ नहीं करना है। उसके बाद नीचे की ओर आप आइएगा तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो विधायक। अगला है, निम्न में कौन से गैस वायुमंडल में सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो फतेहपुर सिकरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने। अगला है, दुधिया मालदा किस फल की प्रजाति है? तो आम की। ठीक है, आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो यहाँ पे रिक्त स्थान जो दिए गए हैं, यहाँ पे जो है आपका महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में डैश के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो रंगभेद की यहाँ पे खाली जगह में ये जो डैश किया हुआ है उसको आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल डैश से पूरे देश में लागू हुआ, तो 2010 से। अगला है, ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ डैश कहलाता है? तो मैग्मा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें आपका केरल हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग चलेंगे, यहाँ पे अगला आप लोग का आता है कि सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। गंगा जमुनी संस्कृति भारत की विशेषता है? तो हाँ, इसमें सही का टिक लगेगा। उसके बाद है, मरुस्थल में यातायात का मुख्य साधन हाथी है? तो ये गलत है, क्योंकि मरुस्थल में यातायात का मुख्य साधन ऊँट होता है। अगला है, वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था? तो ये सही है। अगला हाथ देखेंगे तो पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना लाभकारी, तो ये भी सही है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए इसमें 6 क्वेश्चन दिया गया, सभी 6 का 6 का आंसर कर दिया हूँ। आप लोग किन्हीं 4 का आंसर लिखेगा एग्जामिनेशन में, जैसे यहाँ पर नदियों के जल स्वच्छ रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये दिया गया है, नदियों में कूड़े कचरे नहीं फेंक कर तथा तो उसकी साफ़ सफाई करके जल को स्वच्छ किया जा सकता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुआ था? तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह हुआ था। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो लोगों के जीवन में मेले एवं हाट की भूमिका का वर्णन करिए, तो इसका ये हो जाएगा, यहाँ से लोग अपने ज़रूरत के सामान फल सब्जी खरीदते हैं। उसके बाद प्रदूषण क्या है? प्रदूषण के मुख्य प्रकारों का वर्णन करिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये लिख लिए आप लोग। जैसे प्रदूषण वह है जब किसी प्राकृतिक पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिल जाता है तो उसे प्रदूषण कहते हैं, या 2 प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। ठीक है, मुख्य रूप से आप लोग के क्लास के हिसाब से। ठीक, आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो जनसंचार का मुख्य साधन क्या है? तो जनसंचार का भी मुख्य साधन है मोबाइल, मैसेज, इंटरनेट, अखबार, टेलीविज़न इत्यादि। ठीक, अगला है, कैमूर की पहाड़ियों में कौन कौन से खनिज मिलते हैं? तो चूना, पाइराइट, पोटास एवं थोड़ी मात्रा में हीरा भी मिलता है। अगला हम लोग देखेंगे तो किन्हीं 1 प्रश्न का उत्तर दीजिए, 3 प्रश्नों में से किसी एक का आंसर देना है, हम ख नंबर का आंसर दे रहे हैं, आप लोग यहाँ से लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे है, पर्यावरण हमारे चारों ओर के वातावरण को कहते हैं, पर्यावरण हमारे लिए सबसे अधिक ज़रूरी है क्योंकि इसी से हम लोग अभी जिंदा है। पर्यावरण में बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधा, जीव जंतु इत्यादि मौजूद हैं। पर्यावरण से हमें खाना पानी, शुद्ध हवा और बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं, इसलिए पर्यावरण अति आवश्यक है। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको अगर पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।